गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इनका साइज़ लगभग 0.001 mm होता है और इसकी खोज जो है वो 1677 में एक डच साइंटिस्ट उन्होंने की थी। और देखते हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेरोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं। वो अपना खाना जो है वो दूसरे डेड बॉडी से या प्लांट्स एनिमल से लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि वो ऑक्सीजन में अपनी ग्रोथिंग करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी अपनी ग्रोथिंग करते रहते हैं। शेप एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरिया को मोस्टली 3 टाइप्स में बांटा है। फर्स्ट है कॉकस और राउंड शेप्ड, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप क्या होता है, राउंड मतलब गोल और चपटा होता है। तो ऐसे कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकॉकस, जो निमोनिया का बैक्टीरिया है, जिसके इसका बहुत बड़ा फैक्टर ही है। सेकंड है बैसिलस, जो कि क्या है, रोड शेप्ड होती हैं। इनका शेप कैसा होता है, लंबा होता है और ये जो है मतलब कि घूम थोड़े से स्पिरल मतलब थोड़े घुमावदार होते हैं। और बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं इनको, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, टिटनेस है। थर्ड है स्पिरिलियम और विब्रो शेप्ड, ये जो होते हैं वो बैसिलस से छोटे होंगे, ये कोमा शेप जो है उसके शेप में होते हैं। तो विब्रियो कोलाई जो है इसका एक एग्जांपल है। इसके बाद देखें यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करते हैं, मतलब कि उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, फिक्स द फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू नाइट्रेट। ये जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है जब ये। और सेकंड जो है इसका काम है तो होता है बैक्टीरिया का, वो है डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो बैक्टीरिया जो होता है वो प्लांट और एनिमल को सड़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कि हम मैन्यूर वगैरह बनाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया बहुत काम आता है। फूड प्रोडक्शन में बैक्टीरिया बहुत काम आता है, जैसे कि दही है, चीज़ है, पनीर है, एंड जैसे हम खमन वगैरह बनाते हैं उसमें काम आता है। उसके बाद है डाइजेशन इन एनिमल। तो हमें पता है कि इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि खाना पचाने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद कुछ इंडस्ट्री एरिया में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। वहीं पर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, जिनके कारण बहुत टाइप के डिजीज़ होते हैं। तो टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी बोलते हैं, टिटनेस है, एक्सेट्रा, बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। इसके बाद देखें नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो बच्चों, हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है लगभग 78% हमारे एटमोसफियर में है, और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर नाइट्रोजन ना मिले तो वो शायद ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्म में उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब कि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं दे सकते हैं। उसको पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद में वो प्लांट जो है उसको ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन का जो है पहले कन्वर्जन होना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये जो है हमेशा ये जो साइकिल है वो हमेशा होती रहती है। जैसे कि हमने सॉइल को दिया, फिर सॉइल ने वापस हमको दिया, अब वो कैसे हम देंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली हम ये साइकिल लेते देते रहते हैं नाइट्रोजन। उसके बाद है एल्गी। एल्गी क्या है, एक सिंपल प्लांट होता है, सिंपल प्लांट, लेकिन इसमें जो है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होती है और इसमें सेल वॉल भी होती है, लेकिन इसमें जो है वो स्टेम, लीव्स, रूट वगैरह नहीं होती है। हमने एल्गी वगैरह देखी होगी, जैसे कि पानी वगैरह में ग्रीन कलर की जो होती है मोस्टली जगह पर होती है। इसके बाद है ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल होती है, अपना खाना खुद बना पाते हैं। स्पैरोगायरा, वॉलपैक्स ये इसके एग्जांपल हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है वो सिंपल सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल सेल्ड ऑटोट्रॉप्स होती हैं, जैसे कि ऑस्क्लेट्रिया एंड एनाबिना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है। इसके बाद है डायट्रोट्स। तो डायट्रोट्स मैरिन एल्गी होती है।
उसके बाद देखें तो हम यूजेस ऑफ एल्गी, एल्गी कहाँ फ़ायदेमंद होती है और कहाँ नुकसानदायक होती है। तो एग्रीकल्चर मेडिसिन इन फूड इन इंडस्ट्री इन स्पेस एज फूड, ये तो क्या है, यूजेस हैं, यूजफुल है। और वाटर पॉल्यूशन, पैरासाइटिक टॉक्सिसिटी एंड डैमेजिंग टेक्सटाइल एंड बिल्डिंग, यहाँ पर ये क्या है, हार्मफुल है। इसके बाद है फंगी, तो फंगी जो है वो लगभग हर जगह होती है और इनका साइज जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन इनमें रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव्स नहीं होती, फ्लावर्स नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होती है। और ये जो होती हैं वो क्या होती है, स्पेरोफाइटिक या पैरासाइटिक। पैरासाइटिक इसका मतलब ये जो है वो डेड प्लांट पर या एनिमल पर अपना फूड गैन करती है, एंड पैरासाइटिक जो होती है वो लिविंग प्लांट्स पर रहती है और अपना खाना लेती है। इसका यूजेस देखें हम तो एज फूड, मेडिसिन एंड मेन्यू जो है फंगी का यूज़ होता है। एंड फूड फूड स्पॉयलेज डिजीज स्पॉयलेज ऑफ प्लेदर, इसमें जो है ये हार्मफुल होती है। अब इसके बाद है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। यूनिसेल्युलर मतलब जिनमें एक ही सेल होती है और सारा जितना भी सिस्टम होता है वो एक ही बॉडी के अंदर, मतलब एक ही सेल के अंदर होता है। तो सबसे पहले देखें हम अमीबा, तो ये क्या है, एक सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करती है, इनमें जो है हमने पढ़ा था पहले भी कि इनमें फॉल्स फुट होती है जिसके कारण ये मूविंग करते हैं और अपना खाना खाते हैं। इसके बाद में पैरामीशियम, तो पैरामीशियम क्या है, फ्रेश वाटर में होती है और इसका शेप कैसा होता है, स्लीपर की तरह इसका शेप होता है। और इट्स कॉज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स, ओके, इसमें जो है इसी के कारण जो है मलेरिया होता है। वैसे मलेरिया पता है हमें किसके कारण होता है। यूज़फुल प्रोटोजोआ, अब कई प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं। जैसे देखें तो कुछ प्रोटोजोआ जो होती है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है जो कि खाना डाइजेस्ट करती है, ह्यूमन बींग्स में नहीं, ये कुछ एनिमल्स में होती है जो कि जैसे कि ग्रास वगैरह खाते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। और ये जो है वाटर वेस्ट डिग्रेडेशन में काम आती है, मतलब कि जैसे कि प्लांट है एनिमल्स, इनको क्या करेगी, डिग्रेडेबल करेगी, उनको सड़ाएगी ये। उसके बाद में हार्मफुल प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मलेरिया इज कॉज द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, एनाटोमिया हिस्टोलेजिटिका इज अ ह्यूमन इंटेस्टाइन कॉज अमेबिक डायसेंट्री, ये एक डिजीज़ है जो किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करना है एंड अपनी नोटबुक में राइट भी करना है। तो राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड फंगी, राइट थ्री यूज ऑफ फंगी, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम, गिव टू टू नेम्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू एल्गी, राइट थ्री लाइन्स अबाउट बैक्टीरिया एंड इट्स दिस शेप एंड स्ट्रक्चर। ओके, इस क्वेश्चन में आपको शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको बैक्टीरिया के बारे में बताना है। अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल बतानी है आपको। और यहाँ पर फिलिप्स हैं जो आपको इसमें ढूंढ के आपको खुद ही इसमें लिखना है। वी कैन नॉट सी डैश बाय नेक डाइज, मतलब हम खुली आंखों से जो है वो क्या नहीं देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो है वो टोटल कितना अवेलेबल है हमारे एटमोसफियर में। इसके बाद आपको टिक लगाना है। तो यूनिसेल्युलर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, फंगी, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ या एल्गी। इसके बाद मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम, फंगी, पैरामीशियम या अमीबा। तो इसमें जो भी है आप टिक लगाएं, रेड लगाएं, इसको आप लर्न करें एंड राइट भी करें।